निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. आज हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे और मॉडल क्वेश्चंस भी करेंगे. सो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर फाउंड इन कॉन्स्टिट्यूशन. सो अब हमें ये तीन पॉइंट्स देखने हैं. इसके पहला है मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस. सेकंड है जो LDC लीस्ट डेवलप्ड नेशंस है उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना. और तीसरा है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन. तो ये था हमारे तीन पॉइंट्स हो गए. अब हम सबसे पहले आर्टिकल देख लेते हैं कि एज पर आर्टिकल 51 जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है. आर्टिकल 51 के अंदर हमारे चार सब क्लॉजेस है. उसमें पहला है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. सेकेंड है मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस. थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस इन द डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर. एंड लास्ट सब क्लॉज आता है हमारा एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन. सो हमारा फर्स्ट करेक्ट है और हमारा थर्ड करेक्ट है. तो जिसमें भी हमारा फर्स्ट और थर्ड नहीं है वो हमारे गलत हो गए. तो ये भी गलत हो गया एंड हमारा ये भी गलत हो गया. और जो हमारा सेकंड है वो इनकरेक्ट है. सो सी भी गलत हो जाता है और करेक्ट ऑप्शन होता है हमारे डी 1 and 3 ओनली. सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं. सेकंड क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इट एज फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. इंडिया के गवर्नेंस में क्या चीज फंडामेंटल है. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और यूपीएससी में भी 2-3 बार आ चुका है. तो अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं. पहला है जुडिशियल रिव्यू. क्या ये फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए? नहीं. दूसरा आ जाता है हमारा फंडामेंटल राइट्स. गवर्नेंस के लिए क्या ये फंडामेंटल है, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है? नो. देन हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है. सो हमारा ऑप्शन इसमें सही आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. अब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में 2-3 चीजें और कर लेते हैं. जैसे ये नॉन एनफोर्सेबल होती है इन कोर्ट्स. ये इसको जो इम्प्लीमेंट करने का एक मॉरल ऑब्लिगेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है. एक बेसिकली पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन और मॉरल ऑब्लिगेशन हम इसे कह सकते हैं. बिकॉज ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को कि हमें कंट्री कैसे रन करनी है. अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Consider the following under directive principles of state policy as enshrined in the constitution. अब इनको DPSP के अंदर हमें इन सब चीजों को consider करना है और इसमें क्या चीज analyze करनी है कि इनमें से कौन सा जो ऊपर दे रखे हैं liberal intellectual principles के अंडर आता है DPSP में. तो हमारा पहला आता है to promote education and economic interest of SC/ST. Second आता है हमारा इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना पुअर पीपल को. थर्ड आता है प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. थर्ड मॉन्यूमेंट्स. फोर्थ आता है सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट. एंड फिफ्थ आता है टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री. तो ये हमारे आ जाते हैं 5 ऑप्शंस. तो अब हम इसमें देखेंगे कौन सा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के अंडर आता है. जो हमारा फर्स्ट है ना to promote education and economic interest of SC/ST, ये हमारा गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आता है. तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है. तो जिसमें भी हमारा ए ऑप्शन है वो हमारा ऑटोमेटिकली गलत हो गया. 1 गलत हो गया, 2 गलत हो गया, 4 गलत हो गया. करेक्ट आंसर तो हमारा 3 आ जाता है, CDNE. एक बार फिर भी देख लेते हैं कि हमारा जो टू प्रमोट प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर ये किसके अंदर आता है. ये हमारा आता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर, सोशलिस्ट. तो बाकी तीनों किसके अंदर आ जाते हैं फिर, हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स इन द डीपीएसपी. तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाता है. लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी वॉज नॉट ओरिजिनली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसमें बताना है कि कौन सा ओरिजिनली प्रोवाइडेड नहीं था. सिटीजन्स राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये प्रोवाइडेड था या नहीं था. ये आर्टिकल 39 के अंदर प्रोवाइडेड था स्टार्टिंग से ही. अगला आता है हमारा सी ऑप्शन. पहले देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजंस. ये आता है हमारा आर्टिकल नंबर 44 के अंदर और ये भी स्टार्टिंग से ही था. देन प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज एंड काव्स, ये भी हमारा स्टार्टिंग से ही है अंडर आर्टिकल 48.
सो हमारा कौन सा बचता है, फ्री लीगल एड, ये हमारा बाद में ऐड हुआ था अंडर आर्टिकल 39A. सो हमारा इसका करेक्ट आंसर होता है बी, इस क्योंकि इसमें पूछा गया है वाज नॉट ओरिजिनली प्रोवाइडेड. सो विद दिस हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. ये हमने पहले भी इसी लेक्चर में ही क्वेश्चन किया था, इसमें हमने आर्टिकल 51 को एनालाइज किया था. तो जो आर्टिकल 51 है वो कौन से पार्ट के अंडर आता है जिसमें हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करते हैं? तो फंडामेंटल राइट्स के अंडर आता है क्या? नहीं, ए गलत होता है. अंडर इमरजेंसी प्रोविजंस? नो. प्रीएम्बल? नो. वो तो एक जनरल गाइडलाइंस है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को एंश्योर करता है. तो इसका आंसर आता है हमारा बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 51 टॉक्स अबाउट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. सो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का. थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग फॉर मोर वीडियोज़.